हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। दिया हुआ है दो पर्सन ए और बी, दोनों का मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 19:16 और दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 19:16। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है इफ ईच पर्सन सेव रुपीज 5000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। उसके बाद दिया हुआ है कि दो पर्सन ए और बी, दोनों का कुछ इनकम है, दोनों का ही कुछ एक्सपेंडिचर है और मंथ के एंड में दोनों का सेविंग क्या है, ए का भी और बी का भी सेविंग क्या है रुपीज 5000 पर मंथ। मतलब ए भी मंथ के एंड में 5000 रुपीज सेव करता है और बी भी मंथ के एंड में 5000 रुपीज सेव करता है। तो हमें फाइंड करके क्या बताना, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, दोनों महीने में कितने पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट मंथली इनकम ऑफ ए 8x, मंथली इनकम ऑफ बी 7x। कैसे आया, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:7। ठीक है, तो 8x और 7x हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8x और 7y एज्यूम नहीं करेंगे, दोनों का इनकम का रेशियो दोनों में सेम वेरिएबल यूज होगा 8x 7x और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 19:16। तो 19y और 16y, कोई हमें यहाँ पे जैसे वेरिएबल x का यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे हमें वेरिएबल x यूज़ नहीं करना है, वेरिएबल x को छोड़ के कुछ भी कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम x के जनरली हम y यूज़ करते हैं, तो y हमने यूज़ कर लिया 19y और 16y। अगर हम यहाँ भी 19x और 16x लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मंथली इनकम का रेशियो हो गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया, उसके बाद दोनों का ही सेविंग क्या दिया हुआ है रुपीज 5000 पर मंथ। दोनों पर्सन ए भी मंथ के एंड में 5000 बचाता है, तो उसको हम लोग निकालेंगे एज सेविंग। ए का कितना सेविंग होगा, सेविंग कैसे निकाला जाता है, सेविंग कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो ए का सेविंग निकाल रहे हैं तो ए की इनकम को देखेंगे, तो ए का इनकम है 8x और ए का एक्सपेंडिचर है 19y। तो ये आ गया ए का सेविंग, और बी के सेविंग को देख रहे हैं तो बी का इनकम है 7x और बी का एक्सपेंडिचर है 16y। तो ये आ गया, ठीक है, दोनों का ही सेविंग हम कैलकुलेट कर लिए, ए सेविंग मिल गया, बी सेविंग, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों का सेविंग कितना है 5000 पर मंथ। मतलब ए का जो सेविंग है इसका वैल्यू भी क्या है 5000 और इसका वैल्यू भी है 5000। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहता, सपोज करो ए 5000 बचाता है, बी 4000 बचाता है, तो यहाँ पे इसको इक्वल टू 5000 करते, इसको इक्वल टू 4000 करते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x माइनस 19y इक्वल टू 5000 और 7x माइनस 16y इक्वल टू ऑल्सो 5000। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि किसी एक वेरिएबल को सेम बना लिया जाए। तो जनरली हम y को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 और 9 को अगर हम से 19 और 16 को सेम बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। 8 और 7 इसको हम सेम बना लेते हैं ना, 8 और 7 दोनों का एलसीएम हो गया 56। तो इसको 56 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 56 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/7 एंड इक्वेशन 2/8। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं 7, 8 जा 56x माइनस 19, 7 जा 19, 7 जा क्या हो जाएगा 133 होना चाहिए। ठीक है, 19, 7 जा 133 माइनस 133 वाई इक्वल टू 5, 7 जा 35 पे 30 35000। ये इक्वेशन आ गया 3 और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 8 जा 56x माइनस 16, 8 जा 128 वाई और 5, 8 जा 40 इक्वल टू 40000। ये आ गया इक्वेशन 4। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमें x को कैंसिल करना है, x का दोनों ही साइन, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, जब भी सेम साइन होता है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 56x माइनस 56x कैंसिल हो गया, माइनस 133 प्लस 128 ये आ जाएगा माइनस 5y और 35000 माइनस 40000 ये आ गया माइनस 5000। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 5000 बाई 5, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1000। ठीक है, और y के वैल्यू को दो इक्वेशन है हमारे पास 1 और 2, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 1,
तो 8x माइनस 19 इंटू 1000 इक्वल टू 5000, तो 8x माइनस 19000 इक्वल टू 5000, 8x इक्वल टू 19000 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 5000 प्लस 19000 ये हो गया 24000, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3000। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें कहीं कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो मंथली इनकम ऑफ ए क्या था, 8x। तो मंथली इनकम ऑफ ए इक्वल टू 8x, मतलब 8 इंटू 3000 इक्वल टू 24000 रुपीज़। और मंथली इनकम ऑफ बी ये था 7x, मतलब 7 इंटू 3000 इक्वल टू 21000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।